हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने बचाई तबाही। बीते 24 घंटों में 5 लोगों की मौत। सरकार ने जिला उपायुक्तों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। हिमाचल में आगामी 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों से की अपील, नदी नालों के पास जाने से बचें। हिमाचल में बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य नियुक्त। सांसद सुरेश कश्यप को बनाया गया कार्यसमिति सदस्य। सुरेश कश्यप ने बीजेपी नेताओं को किया धन्यवाद। नाहन में कानूनगो और पटवारी संघ की बैठक आयोजित। 8 जिलों के प्रतिनिधि बैठक में हुए शामिल। और शिमला में किलो के हिसाब से सेब बेचने की व्यवस्था। सरकार ने 24 किलो सेब पैकिंग कर लगाई सीलिंग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों से हो रही भारी बारिश से तबाही मची हुई है। बीते 24 घंटों में भारी बारिश के कारण हो रहे लैंडस्लाइड से एनएच समेत 736 सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई हैं, जबकि 5 लोगों की इस दौरान मौत भी हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कल तक भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसे देखते हुए सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं राजस्व और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि बीते कल से हो रही भारी बारिश के कारण प्रदेश के अलग अलग जिलों से नुकसान की खबरें आ रही हैं और अगले 24 घंटे में भी भारी बारिश की संभावना है। भारी बारिश के कारण प्रदेश को करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो चुका है। जहां लोसल में बर्फ पड़ी है और काजा के जो सब डिविजन हमारे उसमें भी बारिशें काफी हुई है, तो जो हमारे संपर्क सड़कें हैं काफी अवरुद्ध हुआ है। तो अभी तो उधर सूचना ही मिली है और जैसे ही बारिशें खत्म होगी तो फिर उन पर जो है उस स्तर पर उनको बहाल करने का काम किया जाएगा। प्रदेश की हम बात करें, क्या स्थिति है? ताजा स्थिति कुल्लू और रेड अलर्ट जारी है। अभी बारिशें जारी है और जैसे कुल्लू का जो हमारा राष्ट्रीय नेशनल हाईवे है, 4 लेन वाला है, ये बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ है मनाली और कुल्लू के बीच में और बजोरा से मंडी के बीच में। अब खबर शिमला से है, जहां बारिश को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों से अपील की है। कि सीएम ने कहा है कि नदी नालों के पास जाने से बचें। इसी के साथ सीएम ने प्रशासन अलर्ट पर एहतियात बरतने और लोगों को जागरूक करने के प्रशासन को निर्देश दिए हैं। बता दें कि हिमाचल में आगामी 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। सभी प्रदेशवासियों से अनुरोध है कि वे नदी नालों के किनारे ना जाएं, क्योंकि अगले 24 घंटे में और तेज बारिश होने की संभावना है। आपने सावधान रहना है और हमने प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया है कि वो सभी प्रकार के एहतियात बरते और लोगों को इस बारे में जागरूक भी करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शिमला में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप को राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के लिए सुरेश कश्यप ने बीजेपी के समस्त नेतृत्व का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि इस नियुक्ति के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का धन्यवाद करता हूं। इस दौरान सभी नेतागणों ने सुरेश कश्यप को शुभकामनाएं भी दी। आभार प्रकट करता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी का, माननीय महामंत्री संगठन श्री बीरेंद्र संतोष जी का, जिन्होंने कि मुझे एक नई जिम्मेदारी सौंपी है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने मुझे सदस्य के रूप में नियुक्ति दी है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और मैं आश्वस्त भी करना चाहूंगा कि पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व पहले दिया 2020 से लेकर 2023 तक, मुझे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में।
हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग के कानूनों और पटवारी संघ की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन नाहन में किया गया। इसमें प्रदेश से 8 जिलों से प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहीं आपको बता दें कि इस राज्य स्तरीय बैठक का उद्देश्य कर्मचारियों को फील्ड में आ रही अनेकों समस्याओं के बारे में सरकार को अवगत कराना था और कार्य को लेकर दबाव को कम करने और सुविधाएं उपलब्ध करवाने के बारे में चर्चा करना था। इस दौरान संघ के राज्य अध्यक्ष सतीश चौधरी ने बताया कि कानूनों और पटवारी लगातार लोगों को सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सरकार उन पर कार्य करने के लिए अनेक योजनाएं तो ला रही है, लेकिन आधारभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ऐसे में कार्य प्रभावित हो रहा है। नाहन सिरमौर में जो करने जा रहे हैं, ये इसलिए हमें करनी पड़ी कि सरकार की जो भी नीतियां हैं उनका पालन करना हमारा कर्तव्य है। सरकार की नीतियों को ग्राउंड लेवल तक ले जाना हमारा कर्तव्य है, लेकिन उसमें जो कार्य प्रणाली है उनको इम्प्लीमेंटेशन कराने की उसकी बहुत बड़ी खामियां हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, अभी जो स्वामित्व योजना का कार्य चला हुआ, ड्रोन से फोटो खींच दिए और हमें उसकी लिस्टें दे दी, उस पर ना कोई आइडेंटिफिकेशन है, ना कोऑर्डिनेट्स हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ना हमारा नंबर खसरा है। शिमला जिले में सेब सीजन शुरू हो गया है और सरकार ने इस बार किलो के हिसाब से सेब बेचने की व्यवस्था की है, लेकिन 24 किलो पर सेलिंग लगाई गई है, जिससे कि बागवान परेशान हैं और उसे लगातार हटाने की मांग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर ने प्रदेश सरकार से जल्द सेलिंग हटाने और यूनिवर्सल कार्टन की व्यवस्था करने की मांग उठाई है। कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से जो सेब किलो के हिसाब से बेचने की व्यवस्था की गई है, यह फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन जिस तरह से 24 किलो पर सीलिंग लगाई गई है, सरकार इसे तुरंत हटाए और यूनिवर्सल कार्टन की व्यवस्था करे। तो आपको बता दें कि शिमला में जो है सेब का सीजन शुरू हो गया है और इसको लेकर लगातार बागवान जो है सेबों की बिक्री को लेकर बातचीत कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इसमें सरकार के द्वारा इस बार सेब को किलो के हिसाब से बेचने की बात की गई है, लेकिन बागवान जो है वो इससे सहमत है, लेकिन सेलिंग जो है वो 24 किलो पर लगाई गई है, जिसे लेकर बागवान जो है नाराजगी जता रहे हैं और उनका कहना है कि 24 किलो पर सेलिंग जो लगाई गई है उसको तुरंत हटाया जाए ताकि किलो के हिसाब से जो है सेबों को बेचा जा सके। मेरा स्टैंड है, मेरी जो स्थिति है वो मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं और मैंने मान्य जो बागवानी मंत्री है उनसे भी बात की है और जिस दिन ऑफिसर्स की मीटिंग थी उस दिन भी मैंने अपना स्टैंड जो है बिल्कुल क्लियर किया है। मुझे लगता है कि आज जो हालात है और जो जमीनी परिस्थिति है उसके मुताबिक जो है सीलिंग हटाना जरूरी है और मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब तक यूनिवर्सल कार्टन प्रचलन में नहीं आएगा ये समस्या जो है बनी रहेगी, क्योंकि अभी टेलीस्कोपिक कार्टन का प्रचलन है और उस वजह से ये समस्या आ रही है। मंडी समेत आसपास के जिलों में लगातार हो रही बारिश को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं आपको बता दें कि डीसी ने जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में सोमवार 10 जुलाई को छुट्टी घोषित की थी। वहीं एडीएम अश्वनी कुमार ने बताया कि जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण रविवार 10 बजे तक प्राप्त सूचना के अनुसार 173 सड़कें बंद रही। वहीं उन्हें यथाशीघ्र बहाल करने के प्रयास भी लगातार जारी हैं। वहीं आपको बता दें कि राहत बचाव कार्यों में एसडीआरएफ के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम भी मदद ली जा रही है और उन्होंने कहा कि पर्वती लारजी और पंडो डैम में सिल्ट भरने के कारण उनकी सफाई के लिए डैम के गेट खोले गए हैं। ऐसे में नदियों में जलस्तर और भी बढ़ सकता है। मौसम विभाग की तरफ से पिछले कल शाम को 9 तारीख और 10 तारीख तक के लिए जो है वो रेड अलर्ट जारी किया गया है और पिछले 24 घंटे में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है हिमाचल के लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट्स में और खास करके जो हायर रीजेज में है कुल्लू की तरफ बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से नदियों का जलस्तर बहुत बढ़ा हुआ है। अभी तक मंडी में 172 रोड प्लस नेशनल हाईवे जो है वो अवरुद्ध हो गया हुआ है और उसके रेस्टोरेशन का काम चल रहा है।
धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम के निर्माण कार्य को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। आपको बता दें कि पैसे के दुरुपयोग के भी आरोप लगने लगे हैं। धर्मशाला से कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा ने इसको लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखा है और इसकी जांच विजिलेंस से करवाने की मांग की गई है। मैं आपको बता दें कि विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि धर्मशाला में फुटबॉल स्टेडियम के लिए उनकी सरकार में जगह का चयन किया गया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसका स्थान बदल दिया, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्टेडियम नियमों के तहत नहीं बनाया जा रहा है, इसको लेकर फुटबॉल एसोसिएशन सहित अन्य लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि फुटबॉल स्टेडियम को लेकर जो है लगातार आवाज उठाई जा रही है और फुटबॉल स्टेडियम बनने के कारण जो है वो लगातार पूछे जा रहे हैं। आपको बता दें कि आरोप लगाया गया है कि फुटबॉल स्टेडियम को बनाने में पैसे का दुरुपयोग किया गया है, वहीं सही जगह का जो चयन है वो नहीं किया गया है। तो इसको लेकर तमाम जो आरोप है वो फुटबॉल स्टेडियम के एसोसिएशन के द्वारा लगाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि धर्मशाला से कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा ने इसको लेकर सीएम सुखविंदर सिंह को पत्र भी लिखा है और इसकी जांच विजिलेंस से करवाने की मांग की गई है। में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत फुटबॉल स्टेडियम प्रस्तावित था और पूर्व सरकार के समय में उसकी भूमि जो चिन्हित की गई थी उसको बदल करके अन्यत्र स्थान पर ले जाया गया। और दुख की बात यह है कि बार बार जो यहां पर फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और एसोसिएशंस हैं, उन्होंने ये आग्रह किया कि वहां पर पूरी लंबाई चौड़ाई का जो ग्राउंड है वो नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी उसका निर्माण कार्य आनन फानन में शुरू करवा दिया गया। और आज जब हम देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो मैदान होता है या राष्ट्रीय स्तर का जो मैदान है उसके आधी डायमेंशंस का वो ग्राउंड बन रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के फागली चौक में सुबह के वक्त भारी भरकम पेड़ गाड़ी पर आ गिरा। आपको बता दें कि गाड़ी में अपने छोटे बेटे के साथ मां भी मौजूद थी, दोनों की जान बाल बाल बची है। इस हादसे में दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। तो आपको बता दें कि शिमला में जो है लगातार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और उसको लेकर जगह जगह से लैंडस्लाइड से लेकर पेड़ों के गिरने और जो आवागमन पर बाधा लगने की जो है खबरें जो है लगातार सामने आ रही है। वहीं यह जो हादसा है वो शिमला में हुआ, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस कदर एक कार जो है वो पेड़ की चपेट में आ जाती है, पेड़ अचानक से कार के ऊपर गिर गया, तो उसकी वजह से बाल बाल एक बड़ा हादसा जो है होने से बचा है। आपको बता दें इस हादसे के दौरान इस कार में एक मां और बेटा मौजूद थे, जिसमें कि दोनों ही सुरक्षित हैं, लेकिन ये एक बेहद ही बड़ा और दुर्भाग्यपूर्ण हादसा घटित हो सकता था, जो कि कहीं ना कहीं भगवान की वजह से जो है ये दोनों बच गए। आपको बता दें कि शिमला में लगातार ऐसे हालात जो है जगह जगह से देखने को मिल रहे हैं, जहां पर ये परिस्थिति बनी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार।